पक्की बड़ी खबर पर आपको बता दें कि वीवीपैट मिलान की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वीवीपैट मिलान की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा है कि इस तरह का कोई मिलान नहीं होगा और चुनाव आयोग ने खारिज की विपक्ष दलों की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों ने जो मांग की थी वीवीपैट का पर्चियों से मिलान किया जाएगा, उसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीवीपैट मिलान की विपक्ष ने मांग खारिज कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप सिर्फ जनतंत्र टीवी पर। वीवीपैट मिलान की विपक्ष को खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। आपको बता दें कि 50% पर्चियों से मिलान की बात उठा रहा था एग्जिट पोल्स के बाद विपक्ष, और इससे और इस पर कल से ही बैठकों का दौर जारी है और अब फाइनली चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि किसी तरह का मिलान नहीं होगा। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की तमाम मांगों को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीवीपैट मिलान की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो वीवीपैट मिलान की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, विपक्ष की मांग वीवीपैट मिलान को लेकर। आप सुनिए क्या तो दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, क्या ज्यादा जानकारी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। देखिए अंशु, वीवीपैट को लेकर जो विपक्ष है वो पिछले काफी दिनों से लामबंद था और सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष गया, उसके बाद कल 22 दल चुनाव आयोग से मिले थे और उन्होंने मांग की थी कि 50% जो पर्चियों का मिलान है वो वीवीपैट से किया जाए। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो 22 के आसपास हैं उनके नेता यहाँ पर पहुंचे थे और चुनाव आयोग से मांग की थी। लेकिन आज 11 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई चुनाव आयोग की, और उस मीटिंग के बाद ये कहा गया है साफ तौर पर कि जो पुरानी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही जो काउंटिंग है वो काउंटिंग होगी। 50% काउंटिंग का जिस तरीके से मांग की गई थी विपक्ष की, उसको चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया। यानी जो 22 राजनीतिक दल थे उनकी मांग को सिरे से नकार दिया गया, उनको बड़ा झटका लगा है। और अब माना यही जा रहा है, जिस तरीके से चेतावनी दी गई थी 22 राजनीतिक दलों की तरफ से, कि उसके बाद जो एक हंगामा है वो हंगामा भी देखा जा सकता है, क्योंकि हंगामा करने की और विरोध करने की बात दलों की तरफ से की गई थी। तो अब फिलहाल चुनाव आयोग ने जो मांग की गई थी उन मांगों को लेकर साफ तौर पर सिरे से नकार दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित। तो अभी आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है ये, चुनाव आयोग ने विपक्ष की जो मांग थी वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करने की, तो उसको सिरे से खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने।